हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शैली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिन ब दिन गर्मी इतनी बढ़ती जा रही है, तो सोचा क्यों ना गर्मी के ऊपर और एक वीडियो बनाया जाए। इससे पहले गर्मी में बच्चों को क्या खिलाया जाए, क्या नहीं खिलाना चाहिए और गर्मी में बच्चों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है। मैं लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो वो वाला वीडियो भी चेक कर सकते हो। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ताल मिश्री के बारे में। ये एक ऐसी कॉमन चीज़ है, मतलब जो हर किसी के घर में लगभग मिल ही जाती है। तो इतनी गर्मी में क्या डेली आप अपने बच्चों को ताल मिश्री देना शुरू किया? नहीं दिया तो आज से ही देना स्टार्ट कीजिए। क्यों, रुकिए बताते हैं। बट इससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक देखते रहिए। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं वीडियो। मैं तो बोलूंगी गर्मी में ना तो सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि हम बड़ों के लिए भी ताल मिश्री डेली खाना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं इसकी, मतलब सबसे बड़ी जो खासियत है उसके बारे में। इसका तासीर ठंडा होता है, ये बॉडी को कूल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इतनी गर्मी में डेली आप ताल मिश्री को भिगो के वो मिश्री वाला पानी पियोगे तो फिर आपका शरीर ठंडा रहेगा और इस वजह से लू लगने से भी ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट भी करता है। नेक्स्ट, इस टाइम मतलब गर्मी में बच्चे पानी तो बहुत ज़्यादा कम पीते हैं, तो इसलिए पानी के कम होने की वजह से ना बच्चों को कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो अब रेगुलर बच्चों को सुबह अगर आप बच्चों को मिश्री को भिगो के वो मिश्री वाला पानी दोगे तो फिर काफ़ी हद तक ये जो यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है ये लगभग नहीं होने की चांसेस रहती है। इसकी तासीर ठंडा होने के कारण ये तो बॉडी को ठंडक पहुंचाता ही और साथ ही में हमारे पेट को भी ठंडा रखता है और इस वजह से पेट से जुड़ी बहुत सारी प्रॉब्लम को ये सॉल्व भी करता है और साथ ही में पित्तजनित कोई प्रॉब्लम ये नहीं होने देती है। नेक्स्ट, इस गर्मी में डाइजेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो इस टाइम आप थोड़ा सा सौंफ और ताल मिश्री को चबा के खाओगे तो फिर डाइजेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका बच्चा चबा के नहीं खा सकता है तो फिर सिंपल सा ताल मिश्री वाला पानी बना लो और उसमें थोड़ा सा ये सौंफ का जो पाउडर है वो डाल दो, वो बच्चों को दे सकते हो, तो फिर ये भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है डाइजेशन में। अच्छा, यही ड्रिंक में अगर आप थोड़ा सा, मतलब ये मिश्री वाला जो पानी है उसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते डाल दो, थोड़ा सा सौंफ डालो और थोड़ा सा काला नमक जो है वो डाल दो तो फिर एक अच्छी सी रिफ्रेशिंग वाली जो ड्रिंक है वो बन जाती है। जब भी बच्चे बाहर से आते हैं, खेल कूद करके पार्क से आते हैं और स्कूल से जब आते हैं या फिर हम बड़े जब ऑफिस से आते हैं या तो फिर बहुत ज़्यादा धूप में से घर आते हैं, तब आप उसको ये वाला ड्रिंक जो है ये सर्व कर सकते हो। इससे बहुत ज़्यादा रिफ्रेशमेंट भी मिलती है। ताल मिश्री के पानी में अगर आप थोड़ा सा नींबू का रस डाल दोगे तो फिर ये एक इम्यूनिटी बूस्टर की तरह भी काम करता है, ये भी बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ये जो ताल मिश्री का जो पानी है ये मतलब इंस्टेंट एनर्जी भी देता है बॉडी को। बच्चे जब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, गर्मी में बहुत ज़्यादा मतलब पसीने पसीने हो जाते हैं, इस टाइम आप अगर बच्चों को दोगे ना तो फिर ये शरीर में इंस्टेंट एनर्जी भी देता है, तो फिर एक एनर्जी ड्रिंक की तरह भी आप बच्चों को दे सकते हो। या फिर आप अगर बाहर जा रहे हो, अगर काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हो या तो फिर वर्कआउट पर्पस बाहर जा रहे हो तो फिर आप भी अपनी बॉटल में ये ताल मिश्री वाला जो पानी है ये आप कैरी कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। बच्चे गर्मी में पानी कभी कभी कम पीते हैं तो फिर इस वजह से बच्चों का जो सुसु है, पी है, ये कभी कभी पीला हो जाता है। तो आप अगर डेली बच्चों को ये मिश्री वाला पानी दोगे ना तो फिर ये वाला प्रॉब्लम भी नहीं होगी। कभी कभी गर्मी में क्या होता है कि बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, पानी की कम की वजह से ना बॉडी ड्राई हो जाते हैं, फिर नाक भी हमारे ड्राई हो जाते हैं और नाक से ना खून निकलना चालू हो जाते हैं। तो इस टाइम आप डेली ताल मिश्री का यूज़ करोगे ना तो फिर ये वाला प्रॉब्लम भी आगे चलकर नहीं होगी। और कभी कभी ये भी होता है कि हमारे हाथ में और पैर में बहुत ज़्यादा जलन होती है, हथेली में पैर में जलन होती है, तो फिर आप डेली सुबह आप ताल मिश्री का जो पानी है वो आप पियोगे ना तो फिर ये वाला प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तो फिर देखा इतनो सा ताल मिश्री मतलब कितनी फायदेमंद होते हैं हमारे लिए। तो आज से ही आप अपने खुद की डाइट में और साथ ही साथ आपके बच्चों की डाइट में मतलब रेगुलर बेसिस पे आप बच्चों को ताल मिश्री देना स्टार्ट करो। तो छोटा सा वीडियो है, वीडियो इंफॉर्मेटिव है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनती है और साथ ही में आप
को शेयर भी कर सकते हो ताकि सबको पता चले। और आप हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। खुद का ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय।